कटिहार में सुशासन के अधिकारी के बिगड़े बोल, कहा अपने बाप को क्यों नहीं किया फोन। ग्राम रक्षा दल के दलपति से की अभद्रता भाषा का प्रयोग, ऑडियो तेजी से हो रहा है वायरल। रेलवे गुमटी में सर, रेलवे गुमटी में सुधानी पंचायत का 8-10 गो लड़का बस से उतरा और हम लोग सर अभी ड्यूटी में तैनात हैं सर। तो रघुनाथपुर तो अपना बात के काय में कह रहे हैं थाना प्रभारी के? जी सर। तू अपना बात को कहे ना कहा जो हमको रात में सुना रहा है कहानी? सर यहाँ कोई नहीं है सर ना। तू अपना बाप को, तुमको कौन कहा वहाँ पर रहने के लिए? हम कहे थे रहने के लिए? हम लोग सर रघुनाथपुर पंचायत में है सर। अरे तू कहीं पर रहा? तू दलपति है आप दलपति, हम तुमको कहाँ पर आराध करने के लिए? कौन कहा तुमको पर? हम सर आपसे आदेश ले रहे हैं सर। क्या किया? हमसे आदेश क्या ले रहा है? तू कौन होता है हमसे आदेश लेने वाला? तू हमारा कर्मचारी है? नहीं सर, हम तो समाज का है ना सर। तू हमारा कर्मचारी है रे सर। फोन जो तुमको दलपति बनाया उसको बोल, साले मारेंगे जूता से, दिमागे सही कर देंगे। तुम रात में अंत दलपति बन गया, सबसे पैसा ठगता रहा था, हमको नहीं मालूम है। हम लोग सर पैसा कहाँ सर किसी से ठगते हैं सर? ये सर हम लोग निःशुल्क कर रहे हैं सर। रात में तुम क्यों किया हमको रे? हम लोग सर निःशुल्क कर रहे हैं सर। नहीं तुमको रखा जो थाना प्रभारी, तो तुम उसको ना फोन करेगा कि हमको करेगा रे? सर थाना प्रभारी सर यहाँ नहीं है सर, क्षेत्र में किया। नहीं है तो तू अपना नाना से फोन कर, बाप ना है तो नाना से फोन कर, डीएसपी को फोन कर जो तुमको रखा है वहाँ पर। जी सर, सॉरी सर। कटिहार टॉप न्यूज के सहयोगी रतन कुमार के अनुसार, कटिहार में सुशासन के एक अधिकारी की फिर बेलगाम बोल की ऑडियो तेजी से वायरल हो रहा है। दावा है कि यह ऑडियो कटिहार के बारसोई अनुमंडल के एसडीओ पवन कुमार और ग्राम रक्षा दल के दलपति सुजीत पासवान के बीच बातचीत का ऑडियो है। ग्राम रक्षा दल के दलपति सुजीत पासवान ने कहा कि ग्राम रक्षा दल से प्रवासी मजदूर जो कि अभी 9:00 में बारसोई रेलवे गुमटी पर देखा गया था, जिसके हमको सूचना मिलने पर जो हमने वहाँ पर पहुँचे अपने 5 टीम के साथ, जो देखा जा रहा था कि ये 5 आदमी 10-12 आदमी की संख्या में एक दुकान के अंदर में घुसकर चाय बिस्किट खा रहे थे और हम मना करने पर जो है कि वो नहीं सुने और दुकानदार हम लोग पर आरोप दे दिया कि तुम लोग ये दुकान लूटने आया। उसके बाद हमने एसडीओ साहब बारसोई प्रखंड के एसडीओ साहब को जो है कि फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद एसडीओ साहब ने हमें गाली गलौज से बर्ताव करने लगा और बोला कि तुम अपना बाप को फ़ोन किया रे और तुमको तुम्हारा नौकरी कौन लगाया रे, तुम किसका आदेश में काम कर रहा, तुम्हारा नाना का आदेश में कर रहा रग, गाली गलौज करके ये सब मेरे साथ जो बदसलूकी किया गया मेरे साथ। और जो है कि हम जो है कि मेरा मनोबल टूटने लगा और हम बोलने लगे सर हम लोग ऐसा ऐसा काम नहीं करते। बोलता तुम पैसा असूलता है रात में, तसल्ली करता। हम बोले नहीं सर। बोला फ़ोन तुम काहे किया रे, क्यों किया रे, किसके बात पे किया रे? तो हमने बोले सर सॉरी सर, गलती से हम लगा दिए हैं सर आपको। और सर जो है कि आप, मैं बारसोई रघुनाथपुर का एक निवासी हूँ, इसी कारण सर जो हम बोले कि सर पहले मेरा समाज है सर, बाद में हम सर ग्राम रक्षा दल है, इसके कारण से सर हम आपको फ़ोन किए हैं सर। मेरा नाम सुजीत कुमार पासवान, ग्राम रक्षा दल का दलपति हूँ। हम लोग 22 मार्च से ड्यूटी करें निःशुल्क भावना से। वही हमारे सहयोगी रतन कुमार ने जब इस ऑडियो की पुष्टि करने के लिए एसडीओ साहब से जानना चाहा तो उन्होंने बताया कि हमको किसी व्यक्ति से मोबाइल पर किसी ढंग की बातचीत नहीं हुई है, इसलिए संदर्भ में मतलब उसका हम खंडन करते हैं। और हम लोग, हमको और आप लोग जानते ही हैं कि हमारा 2 साल हो गया जनता के साथ या ऑफिसर के साथ कितना किस तरह का व्यवहार है गरीब गुरबा के साथ, इसलिए उसका उस न मेरा आवाज़ है आना हमसे वो जो आदमी है पता नहीं, उसको हम जानते भी नहीं है कौन आदमी है, उससे बातचीत भी नहीं है हुई है।